असलम माई यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम यू टू एन अधर वीडियो आज की वीडियो भी जो है ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो और इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह सिंपल टसल्स के साथ हम अपना ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं या प्लेट्स वगैरह एड करके हम अपने ड्रेस की लुक जो है उसको चेंज कर सकते हैं आप कोई सा भी फेब्रिक लेकर और जिस तरह ये सिल्क का है और सिल्क के साथ आप कोई भी प्रिंटेड जो है वो शर्ट ट्राउज़र ले कर उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आपके पास डिफरेंट स्टाइल के कोई मल्टी दुबट्टे हैं आप उनके साथ कंट्रास्ट के अंदर लॉन्ग शर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या ओपन शर्ट के क्रिएट करके इसके साथ कैपरी या शलवार बनवा सकते हैं शोल्डर पे या स्लीव्स पे लेस के डिफरेंट के तरह से पैटर्न बनवा के आप अपने जो स्लीव्स हैं या जो अपना ड्रेस है शर्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं सिंपल डिज़ाइनिंग है चेक वाला कोई भी प्रिंट लेके हम उसका स्लीव्स पे कट रख के एक ओपन शर्ट बनवा के प्लाजो के साथ पेयर कर सकते हैं प्लेन के साथ ब्लॉक प्रिंटेड अगर आपके पास कोई पीस है वो इंसर्ट करके आप अपनी शर्ट बना सकते हैं मिरर वर्क बहुत इन है विद ट्यूलिप पैंट्स और ये बहुत एक लेटेस्ट डिज़ाइन है आप वो बना सकते हैं अब सिंपल मेरर लेसेज यूज़ हुई हुई हैं लेकिन ये थोड़ी नॉर्मल लेंथ पर हैं आप चाहें तो लॉन्ग और शॉर्ट एज़ पर योर डिमांड एंड एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको कन्वर्ट और चेंज कर सकते हैं इसका दुबट्टे का स्टाइल बहुत डिफरेंट था सिंपल एम्ब्रायड्री वाली शर्ट और विद प्रिंटेड शर्ट आप बनवा सकते हैं ये एक बड़ा डिफरेंट आइडिया है जितने ज़्यादा प्रिंट्स को आप इन करेंगे उतना ज़्यादा क्योंकि जो एम्ब्रॉयड्री वाले चिकन एम्ब्रॉयड्री वाले जो पीसीज हैं ये थोड़े गर्म इनमें आपको गर्मी का जो एहसास है वो ज़्यादा होता है तो आप जितना लाइट और प्रिंटेड और लाइट uh, बेस के कलर्स लेंगे उतना आपको कूलिंग इफेक्ट रहेगा तो वो उतना उससे मूड से भी मूड पर भी इफेक्ट रहता है अब ये वाला एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है सिंपल समोसा लेस के साथ क्रिएट किया हुआ है स्लीवस के ऊपर भी कैपरी के ऊपर भी और कट वाली स्लाइड ड जो है वो शर्ट आप रखवा सकते हैं प्लेन शर्ट कटवर्क है प्लाजो के ऊपर और शॉर्ट मिनी फ्रॉक विद एम्ब्रॉयडेड या ब्लॉक प्रिंटेड वाली आप खुली शलवार के साथ भी इसको पहन सकते हैं पटियाला शलवार भी बना सकते हैं रॉ सिल्क के ऊपर है अगर किसी को बड़ी ईद के लिए चाहिए ये डिज़ाइन तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकता है ये एक बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है ये ज़ारा अहमद का है वैसे परचेज़ करना है वो वैसे कर सकते हैं और जो इसको कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी कर सकते हैं इसका स्लिट्स का डिज़ाइन बहुत डिफरेंट था कि ये दोनों स्लिट्स को एक साइड से आपने टाई लेकर मतलब आपने उनको घेरा लगाई हुई ये नॉट किया वह पूरी शर्ट के ऊपर प्लेट्स और लेसेज ही यूज़ हुई हुई हैं और जो ट्यूलिप शलवार है इसके साथ उसको पेयर किया हुआ है उसके ऊपर भी लेस यूज की यूज़ की हुई है आप एक ट्यूलिप शलवार को बहुत सारी डिफरेंट शर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं अब ये वाला एक बहुत खूबसूरत है कि ग्रीन ऑन ग्रीन अब सिंपल ग्रीन शर्टल है फ्रॉक की फॉर्म के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं कैपरी है आप इसके साथ वाइट शलवार भी पेयर कर सकते हैं प्लेंटेड जो एम्ब्रॉयड्रीड वाला सूट होता है सिंपल वो है थ्री पीस सूट इसकी बैक देखें तो बहुत डिफरेंट है बैक और स्लीवस के ऊपर और गेंजा का पीस लगा के उसके ऊपर प्लेट्स लगाए हुए तो ये एक बहुत डिफरेंट स्टाइल था कि हम नॉर्मली जो फॉल्स ऐड करते हैं वो हमेशा फ्रंट पर ऐड करते हैं लेकिन अगर आप बैक पर ऐड करते हैं तो वो एक आपका एक डिज़ाइनर ड्रेस का एक लुक क्रिएट हो जाती है ये अच्छा ये वाला जो ड्रेस है इसको हम देखें तो सिंपल लाइनिंग वाली शर्ट है अगर ये कोई मोटा पहनेगा तो वो इसमें पतला भी लगेगा लॉन्ग है और लाइनिंग वाली है और उसके ऊपर सिंपल आपने कोई भी शटल लेस लेके या नेट वाली लेस लेके आप वो भी लगा सकते हैं आज की वीडियो का मकसद जो था वो ये था कि कम से कम बजट के अंदर और डिज़ाइनिंग के अंदर आप एक बहुत खूबसूरत ड्रेस क्रिएट कर सकें सिंपल शर्ट को अंगरखा स्टाइल में सिलवा के रेड के साथ कंट्रास्ट किया हुआ है कफ वाले स्लीव्स हैं लूज़ और जो शर्ट है फ्रंट से शॉर्ट है बैक से लॉन्ग है सिंपल राउंड uh, जो दामन है वो वाली शर्ट है इसको जीन्स के साथ आप पेयर कर सकते हैं सिंपल कोई सा भी चिकन एम्ब्रॉयडरी वाला पीस लेके और गेंजा की लेस लेके आप उसको ऐड कर सकते हैं स्लीव्स में वैसे प्लेन शर्ट लेके और गेंजा का जो एम्बेडेड जिनके ऊपर स्टोन्स होते हैं आप वो वाला पीस लेके इंसर्ट कर सकते हैं अब ये बहुत डिफरेंट है प्लेट्स नीचे फॉल के ऊपर प्लेट्स अटैच हुए हुए तो ये आज की वीडियो थी थोड़ी सिंपल बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट में मुझे बता दें कि और किस तरह की वीडियोज़ या आइडियाज़ आपको चाहें तो आई विल ट्राई कि मैं उनके ऊपर वीडियो बना सकूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर